नमस्कार, स्वागत है आपका के अर्निंग्स में। मैं हूं आपके साथ पंचम सिंहराज। का शुरुआत करते हैं खबरों की ओर। इछावर कृषि उपज मंडी में हम्मालों और व्यापारियों के बीच तुलाई हम्माली को लेकर विवाद हो गया, जहां मंडी हम्मालों और व्यापारियों द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। जहां हम्मालों का कहना था कि व्यापारियों द्वारा हम्माली की मेहनत का पैसा कम दिया जा रहा है और व्यापारियों द्वारा मंडी कर्मचारियों से मिलीभगत कर हमारा हक छीना जा रहा है, वहीं व्यापारियों का कहना है कि हम्मालों द्वारा आए दिन मंडी में मनमानी और दादागिरी चल रही है, जिसके चलते हम्मालों द्वारा विवाद खड़ा कर दिया जाता है, जिससे मंडी की बदनामी हो रही है। एक और हम्मालों व्यापारी मंडी कर्मचारी की समस्या का खामियाजा किसान भुगतते हैं। जहां बुधवार को किसान इछावा कृषि उपज मंडी में अपनी उपज लेकर पहुंचे, किसानों की उनकी उपज की दोपहर तक नीलाम नहीं हुई, जहां व्यापारियों ने हम्मालों के विवाद की सजा किसानों को भुगतना पड़ा। मंडी में हम्मालों का तुलाई से इनकार करने के कारण नीलामी और तुलाई दोपहर तक बंद रही। दूरदराज से किसानों ने मंडी में अपनी उपज लेकर आए। किसानों ने मंडी कर्मचारियों अधिकारियों से नीलामी और तुलाई की गुहार लगाते रहे। दोपहर को किसानों के सब्र का बांध टूट गया और परेशान होकर अंततः चक्का जाम कर दिया, लेकिन यह चक्का जाम अधिक समय तक नहीं चल सका। किसानों के चक्का जाम को पुलिस ने पहुंचकर मार्ग से हटाना शुरू कर दिया, जहां डरे सहमे किसान पुलिस के डर से मार्ग से हट गए, जहां पुलिस बल ने पहुंचकर किसानों को मार्ग से हटा दिया और चक्का जाम समाप्त कर दिया। इछावर SDM और एवं तहसीलदार भी घटना स्थल पर पहुंचे, जहां इछावर SDM विष्णु प्रसाद यादव ने हम्मालों से चर्चा कर हम्मालों को समझाइश देते हुए काम पर वापस लौटने को कहा। एक दो रोज बाद बैठकर इस मामले को सुलझाने का हम्मालों को आश्वासन दिया। इसके बाद हम्मालों और व्यापारियों से बात बनी और नीलामी तुलाई कार्य प्रारंभ हुआ। हम्मालों ने अपनी कार्य प्रारंभ किया, जहां मंडी में SDM की समझाइश पर मामला शांत हुआ, जहां मंडी में नीलामी प्रारंभ हुई। जहां सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हम्मालों और व्यापारियों के बीच शनिवार को बैठक होने की संभावना है। इछावर से जलील खान। आप बोलो। ये आज सभी हम्माल तुम जो है एकत्रित हुए, क्या है पूरा मामला? प्रॉब्लम ये है कि सब एकदम मंडी ने फैसला ले लिया, हमारे बिगड़ पक्ष में ना हमें सचेत करा ना कुछ भी करा, तो हिमालय ने भी एकदम फैसला लेना इच्छुक समझा, क्या कि हमें ना तो मीटिंग में बुलाया, एकदम अचानक फैसला उन्होंने हमारी 13-78 हमारी जो टोल मिलती थी एकदम प्लेट कांटे की हमारी बंद कर दी। तेरे तो लाउटी को भी मिलती थी, हिमाल को भी मिलती थी, 7 रुपये कुछ कुंटल हिमालय को मिल रही थी और 2 रुपये कुंटल के हिसाब से हमें लाउटी को दी जाती थी। इस कारण हमने एकदम अचानक फैसला लिया मंडी ने, तो हमने भी अचानक फैसला ले लिया कि हम काम नहीं करना चाहते, ना तो हमसे पहले सचेत किया ना कुछ भी किया, एकदम अचानक फैसला लिया मंडी ने, इसलिए कोई हिमाल काम नहीं करना चाहता, उसे पूर्ण नहीं रहा, इसलिए काम नहीं करना चाह रहा हिमाल। इस संबंध में मंडी सचिव से बात करी आप लोग? करी थी तो एकदम फैसला लिया हमने कि भाई साहब हमारे हिमालों ने बिल्कुल मना कर दिया कि काम नहीं करेंगे, तुमने अचानक फैसला लिया, हमें बुलाया नहीं, हमें मीटिंग में नहीं बुलाया, SDM साहब को कहीं कब बुला के साइन करवा लिया, हम भी कुछ हमारा प्रस्ताव रखते हैं मीटिंग में, एकदम अचानक फैसला ले लिया उनने, SDM साहब के साइन करवा लिए, लेट हमें साइन करने कागज पे साइन करने में हमें कोई हक नहीं, हम कहे हम करने का दे रहे हैं हमारा कागज, लेकिन हमारा हिमाल काम नहीं पूरा उसे नहीं कर रहा है, वो पहले भी हमारे कुछ लोगों को नहीं दिया तो कुछ लोगों का पुराना हिसाब ही नहीं करा, अभी पुराने जो पैसे रुके हैं सोयल वाले के यहाँ रुके हैं और भी बाकी उनके रुके, वो पुराना हिसाब नहीं करा अभी तो हिमालों का। ये जो आपकी मांगे हैं ये पूरी नहीं करी मंडी सचिव ने, तो आगे आपकी क्या रणनीति? हमारी रणनीति है कि जिसको पुरता है भाई जिस हिमाल को तो वो काम कर सकता है, जिसको नहीं पुर रहा है तो वो नहीं करेगा। पूछो भैया सबकी, सबसे पूछो ना। सर आज ये किसानों और व्यापारियों को लेके क्या था, ये चक्का जाम किया था? हिमालयों की एक तरफा दादागिरी इस मंडी प्रांगण के अंदर, हमेशा मजदूरी का नाम लेके मंडी को बिगाड़ना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने हड़ताल करी और व्यापारी एसोसिएशन ने नहीं चाहते हुए भी प्रशासन के सहयोग से और प्रशासन के समझाइश से 13% हिमालय की हमने बढ़ोतरी कर दी, और वो बढ़ोतरी भी व्यापारियों ने किसान पे नहीं उठा के स्वयं वहन करी व्यापारियों ने। इसके पश्चात फिर यहाँ के व्यापारियों ने इस मंडी को आदर्श मंडी बनाने के लिए फ्लैट कांटा यहाँ पे स्थापित किया, और फ्लैट कांटे पे व्यापारियों ने यह बोला कि जो भी किसान फ्लैट कांटे पे आएगा उसका माल फ्लैट कांटे पे तोल के किसान एक मुश्त उसके दुकान के सामने ढेर लगा देगा, उसका कोई भी व्यापारी किसान से 1 रुपया कटौता नहीं काटेगा। ये हजम किसान को नहीं हो रही, किसान की जो ये बचत है ये हिमालय को नहीं हो रही, क्योंकि एक एक ट्राली पे 700-700 रुपये हिमालय लेता था किस हिमाल, लेकिन हमने किसान को सुविधा देने के लिए फ्लैट कांटा की व्यवस्था बनाई, तो बार बार व्यवधान पैदा कर रहा है कि जो हम काम नहीं करें उसका भी पैसा दो,
मतलब फ्लैट कांटे पे ना तो हिमाल काम करता है ना तलावटी काम करता है, और वो हमसे नाजायज पैसा मांगे तो व्यापारी पैसा कैसा दे? जब हम किसान से पैसा ही नहीं काटेंगे तो व्यापारी क्यों पैसा देगा? जो काम करेगा उसका व्यापारी पैसा देगा। बार बार दबाव देते हैं, बार बार दबाव देते हैं, वो दबाव दे दे के इस मंडी को बिगाड़ना चाहते हैं। कुछ असामाजिक तत्व हैं, वो बार बार इस मंडी को बिगाड़ने का प्रयत्न करते हैं। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं व्यापारी एसोसिएशन के मार्फत, वो किसान के हित में, कि निष्पक्ष एक कमेटी बनाई जाए और ये व्यवहारिक देखे कि इछावर नहीं पूरे सीहोर जिले के अंदर इछावर मंडी में जो हिमालय को रेट है वो डेढ़ गुना दिया जा रहा है। हम डंकी की चोट पे बोलते हैं, आप भले ही मंडी प्रशासन से जाके ये रेट ले सकते हैं, आस्टर सीहोर से इछावर मंडी डेढ़ गुना ज़्यादा है। लेकिन सर हिमालय का ये कहना है कि व्यापारी वर्ग जो है वो हमारा 3.78 रुपये खा रहा है। मेरा ये कहना है कि हमारा पैसा 1 रुपये, जब हिमालय उस फ्लैट कांटे पे माल नहीं तोलेगा तो 3.78 रुपये तुलाई क्यों दी जाएगी हिमाल को? आप बताओ। इछावर मंडी में लगातार व्यापारी और हिमालों में व्यापारी जो लोग हैं, इस वजह से किसान परेशान हो रहे हैं। क्षणिक रूप से उनको चक्का जाम भी करना पड़ा। लेकिन पक्षों से हमने बातचीत करी, पारिश्रमिक को लेकर के विवाद हुआ बना हुआ है। हालांकि संबंध में 21 तारीख 21 नवंबर को भी आदेश पर बात किया जा चुका है, उस पर अभी दोनों पक्षों की सहमति के आधार भी आदेश हुआ था, लेकिन अभी कुछ हल्का फुल्का मन मुटाव है जिसका निराकरण अभी हमें हो नहीं पाया है। तो अभी तो तुलाई कार्य और नीलामी कार्य वापस चालू करा दिया है और इनकी जो भी समस्याएँ हैं इसके संबंध में बैठ करके निर्णय लिया जाए और कोशिश की जाएगी कि कोई भी पक्ष जो प्रभावित ना हो। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।